मूर्खों का साथ। हम आपको इस कहानी में ये बताएंगे कि हमें कभी भी मूर्खों का साथ नहीं देना चाहिए। सोहनगढ़ के राजा भीमसेन राव जहाँ कहीं भी जाते अपने साथ हमेशा अपने सलाहकार को जरूर ले जाते थे। इस बात से बाकी सभी दरबारियों को बड़ी चढ़ होती थी। एक दिन 3-4 दरबारियों ने मिलकर एकांत में महाराज से प्रार्थना की, कभी अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी बाहर चलने का अवसर दें। राजा को ये बात उचित लगी। उन्होंने उन दरबारियों को विश्वास दिलाया कि वे भविष्य में अन्य दरबारियों को भी अपने साथ घूमने फिरने का अवसर अवश्य देंगे। एक बार जब राजा भीमसेन राव भेष बदलकर कुछ गाँव के भ्रमण को जाने लगे तो अपने साथ उन्होंने इस बार सलाहकार को नहीं लिया बल्कि उसकी जगह 2 अन्य दरबारियों को साथ ले लिया। घूमते घूमते वे गांव के खेतों में पहुंच गए। खेत से हटकर एक झोपड़ी थी जहां कुछ किसान बैठे गपशप कर रहे थे। राजा और अन्य लोग उन किसानों के पास पहुंचे और उनसे पानी मांगकर पिया। फिर राजा ने किसानों से पूछा, कहो भाई, तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति कष्ट में तो नहीं है? अपने राजा से कोई असंतुष्ट तो नहीं है? इन प्रश्नों को सुनकर गाँव वालों को लगा कि वे लोग अवश्य ही राज्य के कोई अधिकारी गण हैं। वे बोले, हमारे गांव में खूब शांति है, चैन है, सब लोग सुखी हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करके अपना काम काज करते हैं और रात को सुख की नींद सोते हैं। किसी को कोई दुख नहीं है। राजा भीमसेन राव अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं, इसलिए राजा से असंतुष्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस गांव के लोग राजा को कैसा समझते हैं? राजा ने एक और प्रश्न किया। राजा के इस सवाल पर एक बूढ़ा किसान उठा और ईख के खेत में से एक मोटा सा गन्ना तोड़कर ले आया। उस गन्ने को राजा को दिखाता हुआ वह बूढ़ा किसान बोला, हमारे राजा भीमसेन राव बिल्कुल इस गन्ने जैसे हैं। अपनी तुलना एक गन्ने से होती देख राजा भीमसेन राव सक पका गए। उनकी समझ में यह बात बिल्कुल भी नहीं आई कि इस बूढ़े किसान की बात का क्या अर्थ है। उनकी यह भी समझ में ना आया कि इस गांव के रहने वाले अपने राजा के प्रति क्या विचार रखते हैं। राजा भीमसेन राव के साथ जो अन्य साथी थे, राजा ने उन साथियों से पूछा, इस बूढ़े किसान के कहने का क्या अर्थ है? साथी राजा का यह सवाल सुनकर एक दूसरे का मुख देखने लगे। फिर एक साथी ने हिम्मत की और बोला, महाराज, इस बूढ़े किसान के कहने का साफ मतलब यही है कि हमारे राजा इस मोटे गन्ने की तरह कमजोर है। उसे जब भी कोई चाहे एक झटके में उखाड़ सकता है, जैसे कि मैंने ये गन्ना उखाड़ लिया। राजा ने अपने साथी की इस बात पर विचार किया तो राजा को यह बात सही मालूम हुई। वे गुस्से से भर गए और उस बूढ़े किसान से बोले, तुम शायद मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। राजा की क्रोध से भरी वाणी सुनकर वह बूढ़ा किसान डर के मारे थरथर कांपने लगा। तभी झोपड़ी में से एक अन्य बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और बड़े बिना शर्म में बोला, महाराज, हम आपको अच्छी तरह जान गए हैं, पहचान गए हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आपके साथी किसान के कहने का मतलब यह है कि हमारे राजा अपनी प्रजा के लिए तो गन्ने के समान कोमल और रसीले हैं, किंतु दुष्टों और अपने दुश्मनों के लिए महानतम कठोर भी हैं। उस बूढ़े ने एक कुत्ते पर गन्ने का प्रहार करते हुए अपनी बात पूरी की। इतना कहने के साथ ही उस बूढ़े ने अपना लवादा उतार फेंका और अपनी नकली दाढ़ी मुझ उतारने लगा। उसे देखते ही राजा चौंक पड़े, सलाहकार, तुमने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा, तुम लोगों का पीछा कैसे छोड़ता? अगर मैं पीछा न करता तो तुम इन सरल हृदय किसानों को मरवा देते। महाराज के दिल में क्रोध का ज्वार पैदा करते सो अलग, तुम ठीक ही कह रहे हो सलाहकार, मूर्खों का साथ हमेशा दुखदायी होता है। भविष्य में मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और को साथ नहीं रखा करूँगा। उन सब के आपस की बातचीत से गांव वालों को पता चल गया था कि उनकी झोंपड़ी पर स्वयं राजा पधारे हैं और भेष बदलकर अब पहले से उनके बीच बैठा हुआ आदमी ही सलाहकार है। तो वे उसके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। कोई चारपाई उठवा कर लाया तो कोई गन्ने का ताजा रस निकाल कर ले आया। गांव वालों ने बड़े ही मन से अपने मेहमानों का स्वागत किया, उनकी आवभगत की। राजा भीमसेन राव उन ग्रामवासियों का प्यार देखकर आत्मविभोर हो गए। सलाहकार की चोट से आहत हुए दरबारी मुंह लटकाए हुए जमीन कुरेदते रहे और सलाहकार मंद मंद मुस्कुराते रहे। इसलिए आगे से कभी भी दरबारियों ने सलाहकार के बारे में राजा के कान नहीं भरे। तो दोस्तों, हमें यही शिक्षा मिलती है
कहानी से कि हमें कभी भी मूर्खों का साथ नहीं देना चाहिए, मूर्खों को अपने साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।